क्या आपको पता है, जैसे बारिश का सीज़न शुरू होने वाला होता है, हम गूगल पर सर्च करने लग जाते हैं टुडे वेदर, करंट वेदर या 10 डे वेदर। सारी चीज़ें हम गूगल पर सर्च करते हैं। ऐसा ही नहीं, हम प्ले स्टोर में भी जाते हैं और वहाँ पर भी सर्च करते हैं कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो कि हमें प्रोवाइड कर सके कि हमारा इस साल का मौसम कैसा रहेगा, कब बारिश होने वाली है, सारी चीज़ें हम सर्च करते हैं। लेकिन आपको हज़ारों एप्लीकेशन में बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है आपको खुद को पता नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए दो ऐसी बेस्ट एप्लीकेशन लाए हैं जिसके जरिए आप जान सकते हो कि बारिश कब होगी, आंधी कब आएगी, साइक्लोन कब आएगा। और आप हैरान हो जाओगे उस एप्लीकेशन को यूज़ करके कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी बादल किस राज्य में ठहरे हुए हैं, हमारे देश में कौन से इलाके में ज़्यादा बादल है। और इतना ही नहीं, एक एप्लीकेशन तो ऐसी है जिसके जरिए आप जान सकते हो कि कहाँ पर बिजली हो रही है। एनिमेशन के जरिए वो एप्लीकेशन आपको बताएगा किस एरिया में बिजली हो रही है और कहाँ पर है घने बादल। चलिए वीडियो शुरू कर हो गया है तो प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए पिंडी WINDY। तो ये एप्लीकेशन आप देख लीजिए, इसका कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे एप्लीकेशन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप गूगल में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए विंडी WINDY.com। अब तो आपको मिल जाएगा विंडी, यहाँ से ओपन कर लीजिए। पहली वेबसाइट आपको जो दिखती है वो ऑफिशियली विंडी की वेबसाइट है। ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो इसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ कितने बादल छाए हुए हैं, इस जगह से ज़्यादा हवा की वेव्स आ रही है। देखिए यहाँ पर विंडी गस्ट पर सिलेक्ट कीजिए, वो क्या करते हैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको बताते हैं कि कहाँ से बादल या कहाँ से बारिश हमारे देश में आ रही है, कहाँ से जो हवा की रफ्तार है वो सारी यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। यूज़ कीजिए, आपको एकदम इजी लगेगा। यहाँ से आप बादल देखना चाहते हो, लाइव ट्रैक करना चाहते हो कहाँ कहाँ किस जगह पर कितने बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए सैटेलाइट और यहाँ से आप देख सकते हो बेंगलुरु, मदुरई और हैदराबाद में बहुत घने बादल है, अहमदाबाद गुजरात में बादल अभी नहीं है। तो ये हम तो इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। ये तो हो गए विंडी की बात, लेकिन अब मैं एक ऐसे एप्लीकेशन की बात करने वाला जो कि मैं पर्सनली काफ़ी समय से यूज़ करता आया हूँ, मुझे बहुत बहुत ही अच्छी लगती है। इसका नाम है मैटियो अर्थ जिया। दोस्तों बेस्ट एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी इसलिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, किसी भी गूगल में जाकर सर्च करना पड़ेगा और यहाँ से आपको APK डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको मिल जाएगा APK प्योर पर, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। इस एप्लीकेशन में खास सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि कहाँ तक बादल छाए हुए हैं, कहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ कब बारिश होगी, लाइव बिजली ट्रैकिंग आपको दिखाई देगी, जी हाँ एनिमेशन के जरिए आपको दिखाई देगी। मैं आप ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो इसके बारे में एक का पूरा वीडियो आपको बताऊंगा, एक पूरा वीडियो बना के बताऊंगा कि मैटियो अर्थ एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर कैसे यूज़ करना है। बेस्ट एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड मैटियो अर्थ। बस इतना था वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।